अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और हमने जो लास्ट लेक्चर में चीज़ें समझी थी और जो काम आपको दिया गया था करने के लिए, उम्मीद है आप लोगों ने वो काम मुकम्मल कर लिया होगा। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 7.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। तो आज जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें चार मैट्रिसेस दिए हुए हैं, एक्स, वाई, जेड और ओ। और हमें कहा गया है, एक कंडीशन दी भी है और हमें कहा है कि इसको सेटिस्फाई करना है। तो हमने कहा इस तरीके के, जब हमारे पास क्वेश्चन होता है कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन हो, दूसरी एक्सप्रेशन हो, तीसरी एक्सप्रेशन हो और इनके आंसर्स हमारे पास सेम आने चाहिए। तो हमें कहा गया है कि पहले आप x plus y को ब्रैकेट में लिखने का मकसद ये है कि इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले हमने x plus y को सॉल्व करना है, यानी इन दोनों को ऐड करना है और इनके रिजल्ट को z के साथ ऐड करना है। इसी तरीके से यहाँ पे सेकंड एक्सप्रेशन में हमें पहले y को z के साथ सॉल्व करना है और फिर जो भी इसका रिजल्ट होगा उसको इस x के साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तीसरे केस में हमें पहले z और y को आपस में सॉल्व करना है और फिर जो भी इसका रिजल्ट होगा उसको x के साथ सॉल्व कर लेना है। तो और जो भी इसका आंसर हो वही इसका होना चाहिए, वही इसका होना चाहिए, क्योंकि इनके दरमियान क्या लगा हुआ है, इज इक्वल्स टू। तो अब हमने सबसे पहले ये वाली एक्सप्रेशन उठाई और हमने कहा कि इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो सबसे पहले x प्लस वाई सॉल्व करना होगा। हमने कहा x प्लस वाई लिखो और पहले x लिखा हुआ है और x किसके बराबर है वो मैट्रिक्स बना देते हैं। ये है -6, -7, 8 और 12। फिर इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन लगा हुआ है, फिर y है और y हमारे पास क्या है, 12, 13, 14, 15। अब क्योंकि इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है और एडिशन के लिए हमें एक कंडीशन वेरीफाई करनी होती है, सेटिस्फाई करनी होती है, और वो कंडीशन क्या है कि जो दो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो रहे हैं क्या उनका ऑर्डर सेम है या नहीं। अगर सेम होगा तो ऐसी सूरत में वो ऐड हो जाएंगे, अगर सेम नहीं होगा तो ऐसी सूरत में एडिशन पॉसिबल नहीं होगी। तो हमने देखा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2x2 है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2x2 है। अब क्योंकि इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो जब सेम ऑर्डर होता है तो मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं। तो हमने कहा ये हमारे पास हो गया -6 + 12, 8 + 13, -7 + 14 और 12 + 15। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया 6, ये हमारे पास हो गया 21, ये हो गया 7 और ये हो गया 27। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x plus y, ठीक है। अब हमें इस x plus y के रिजल्ट को, यानी इस मैट्रिक्स को z के साथ ऐड करना है, यानी इस मैट्रिक्स के साथ ऐड करना है। तो हमने कहा अब अगर हमें x plus y को ऐड करना हो z के साथ तो जो भी x plus y का रिजल्ट आया है वो लिख लो। वो क्या आया है, 6, 7, 21, 27। इसको ऐड करवा लो z के साथ और z जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट्स क्या हैं, 1, 0, 0, 1। अब जब हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो हमारे पास x plus y plus z का जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 6 + 1 और 21 + 0, इसी तरीके से 7 + 0 और 27 + 1। तो ये हमारे पास हो गया 7, ये हो गया 7, ये हो गया 21 और ये हो गया 28। अब ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन सिंपलीफाई सॉल्व कर ली हमने। अब यही काम हमने इसके साथ भी करना है और इसके साथ भी करना है। तो अब हमने कहा कि ये वाली को कंसीडर करते हैं। इसमें हमने कहा कि भाई ये हमारे पास पहले y को z के साथ सॉल्व कर लेते हैं। y क्या है हमारे पास, 12, 14, 13, 15, इसको प्लस करेंगे z के साथ और z में एलिमेंट्स हैं 1, 0, 0, 1। ये ऐड जब करेंगे तो हमारे पास 12 + 1, 13 + 0, 14 + 0, 15 + 1 हो जाएगा और इसका रिजल्ट हमारे पास आ गया 13, 13, 14, 16। ये हमारे पास क्या आ गया, y plus z। अब जो भी y plus z का आंसर है उसको ऐड करवा देंगे x के साथ। तो हमने लिखा x plus y plus z
और x क्या है हमारे पास, x है -6, 8, -7 और 12, और इसको ऐड कर देंगे इसके रिजल्ट के साथ, तो ये रिजल्ट क्या आया है 13, 14, 13 और 16। तो अब हमारे पास इसका आंसर क्या आना चाहिए, यही वाला आंसर आना चाहिए। देख लेते हैं क्या ये आंसर आ रहा है या नहीं। तो हमने कहा कि x प्लस y प्लस z का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, वो हमारे पास होना चाहिए यही वाला। तो हमने देखा क्या ये हो रहा है, तो हमने पहले किया -6 प्लस 13, इसी तरीके से 8 प्लस 13, -7 प्लस 14, और यहाँ हमारे पास क्या है 12 प्लस 16। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया 13 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो क्या बच गया 7, और ये हमारे पास 13 में 8 ऐड हुआ तो 21, 14 में से 7 माइनस हुए 7, और ये हमारे पास 16, 17, 18, और ये हो गया हमारे पास 28। तो पहली कंडीशन का क्या, पहली एक्सप्रेशन का क्या रिजल्ट आया था 7, 21, 7, 28। दूसरी एक्सप्रेशन का भी क्या रिजल्ट आया 7, 21, 7, 28। अब यही काम हमने तीसरी एक्सप्रेशन के लिए करना है, और वो भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने ये दो काम किए। अब इनको आपको उम्मीद है ये समझ में आ गए होंगे। अब आगे हम चलते हैं, तो अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमने इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। तो अब हमने सबसे पहले z को y के साथ ऐड करना है, और z हमारे पास क्या है, z है हमारे पास 1001, इसी तरीके से फिर प्लस, और फिर हमारे पास क्या है y, और y किसके बराबर है 12, 13, 14, 15। तो हमने देखा कि ये हो गया 1 प्लस 12, 0 प्लस 13, 0 प्लस 14 और 1 प्लस 15। तो ये क्या हो गया, ये हो गया, इसको इधर ही लिख लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा स्पेस बच जाए। हमने कहा ये हो गया 13, ये हो गया 13, ये 14, ये 16, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि z प्लस y के रिजल्ट को ऐड कर देना है x में। तो हमने लिखा x प्लस z प्लस y, और ये हमारे पास हो गया, x क्या है, x हमारे पास है -6, ठीक है, -7, 8 और 12, और इसको हमने ऐड कर दिया इस रिजल्ट के साथ 13, 13, 14, 16। अब ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या होगा -6 प्लस 13 क्या हो जाएगा, -6 प्लस 13, यानी 13 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या बच गया 7, 13 में 8 प्लस कर लेंगे तो 21 हो जाएगा, 14 में से 7 माइनस करेंगे 7 बच गया, 16 में 12 प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 28, और ये हमने सेटिस्फाई कर दिया कि जो रिजल्ट इसका है वही रिजल्ट इसका है और वही रिजल्ट इसका है। हम देख भी सकते हैं x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू, ये हमारे पास इसमें भी 7, 21, 7, 28 आया है, दूसरी एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी 7, 21, 7, 28 आया है, और तीसरी एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी 7, 21, 7, 28 आया है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब अगर इस सवाल में कोई कंफ्यूजन, देखिए सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर जाएंगे। तो जहां जहां ब्रैकेट है मैंने उनको सॉल्व कर लिया आपने, फिर उसके बाहर चले गए। इस तरीके से हमने हर एक्सप्रेशन को सॉल्व किया और हर एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमने निकाल लिया। अगर इनके आंसर्स मुख्तलिफ होते तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक की है। अगर हमारे जिस तरीके से हमारे पास तीनों के रिजल्ट सेम आ रहे हैं, अगर इनमें कोई वैल्यू डिफरेंट आ रही होती तो फिर हम अपनी कैलकुलेशन, अपना सॉल्यूशन चेक करते कि हमने उस सॉल्यूशन में कहीं कोई गलती तो नहीं करी, ठीक है। अभी हमारे रिजल्ट सेम है तो इसका मतलब हमने बिल्कुल दुरुस्त काम किया है, और उम्मीद है जो भी चीजें मैंने आपको समझाई है यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और इसमें अगर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन आपको बाकी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बजरिए कमेंट, या आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। तो कोई भी किसी भी किस्म की अगर कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी सवाल अब मजीद रह गए हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं, वो आपका होम टास्क है, और उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। अगर उसमें कोई मसले मसाइल आए तो आप मुझसे बिना झिझक पूछ लीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।